हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, आप लोगों को कहा गया था डिस्कस करने के लिए। इसमें थोड़ा सा लफड़े वाला है चैप्टर, बहुत समय लगता है। चलिए देखिए, खैर इसमें हमें कहा था, जो आप लोग समझ गए थे, कि हमें प्रूव करना था पी क्यू आर एस स्क्वायर है। तो पी क्यू आर एस को स्क्वायर दिखाने के लिए हमें प्रूव करना रहेगा चारों साइड बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल लिया। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, थीटा अपॉन 45। और साइड जो हमें दिखाना है, देखो हमें सिर्फ दिखा देना है 2y = 2x। अगर 2y = 2x हो जाएगा, यानी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रिथ दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यह रेक्टेंगल ना होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बस यही घटना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां के बाद हमें इसे स्क्वायर प्रूव करने के लिए यह 2x = 2y दिखा देना है ना। 2x ये हो गया और 2y ये हो गया, तो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 2x। 2x की जगह x बराबर क्या हो जाएगा, r cos थीटा। थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, 45 डिग्री जो निकाले हुए हैं। तो तुम्हें मालूम है कि यहां पर हो जाएगा 1/√2। और वैसे ही यहां जब लिखेंगे 2y, यानी y की जगह क्या हो जाएगा, r sin थीटा। और फिर से थीटा की जगह 45, तो फिर से वही हो गया। अब क्या हो गया, 2x = 2y, इसलिए यह रेक्टेंगल क्या हो गया, स्क्वायर। यही हमको दिखाना था। उम्मीद सब लोग लिख लिए होंगे, इसीलिए हम इसको आगे छोड़ दिए थे। जो नहीं लिखे होंगे, देयरफॉर APQRS रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर इफ एरिया इज मैक्सिमम, आप लिख लेंगे। चलिए अब इसके अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए तो आप लोग फटाफट, तब तक हम इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़िए फटाफट। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसा है, चलिए ठीक है पढ़ते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवेन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो बेटा सबसे पहले ऐसा करो कि एक सिलेंडर बना दो। मेंसुरेशन तो याद ही होगा सबको, सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर में हमें मालूम है कि एक होता है रेडियस और एक होता है इसका हाइट, यही दो चीज होता है। और यहां पर कह रहा है सरफेस की चर्चा है, सरफेस। तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा, सो हमें लिख लेना है। और यहां पर चर्चा है इसके वॉल्यूम का, तो ए सरफेस एरिया। इसमें ऊपर और नीचे दोनों का रहेगा, खाली अगर ये दोनों नहीं रहे, खाली यही लेना हो तो उसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन जब नहीं कह रहा है कर्व्ड सरफेस, यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो हिंदी से पढ़े हुए हैं, वक्र यानी कर्व सरफेस एरिया सिर्फ दीवार का, और संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया ऊपर से। तो सर जब कहेगा
सिर्फ ये ऊपर नीचे को छोड़ना रहेगा तो कहेगा कर्व सरफेस एरिया, और वी को वॉल्यूम ले लिया हमने। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास कि गिवन सरफेस, सरफेस एरिया गिवन है, मतलब 2πRh कर्व प्लस ऊपर और नीचे का 2πR² बराबर के लेट कांस्टेंट, यह गिवन है, गिवन है कि सरफेस एरिया, देखो हम पहले ही बोल चुके हैं गिवन पर ध्यान देना है क्योंकि एक वेरिएबल हटेगा गिवन से, वेरिएबल एक हटाना है गिवन से हटेगा, तो ये गिवन है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, इफ वॉल्यूम इज मैक्सिमम, है ना, क्या कह रहा है इसमें कि गिवन सरफेस, सरफेस इज गिवन मैक्सिमम वॉल्यूम तो सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, यानी हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा इफ भी इज मैक्सिमम यानी वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो प्रूव क्या करना है, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। फिर से सवाल सुन लीजिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, फोटो देख लिए, गिवन सरफेस, गिवन है यह माने कांस्टेंट है, और मैक्सिमम वॉल्यूम जब होगा तो इसका हाइट जो है डायमीटर बेस के बराबर है, ये प्रूव करना है। तो सवाल यह है कि हमको वॉल्यूम मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना होगा तो वी बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। जैसा कि हम बोले थे दो वेरिएबल आर और एच हमें एक हटाना है और वह हटेगा गिवन से। अब तुमको सोचना यहां यह है कि यहां से आर हटाना तुम्हारे लिए सुविधाजनक है या एच, इसको देखो, इसे इक्वेशन वन ले लो, यहां से तुम्हें आर हटाना फायदेमंद है कि एच, ये तुमको सोचना है। आर स्क्वायर यहां है तो यहां भी है, हटाने मुश्किल है, लेकिन एच हटाना हमारे लिए ज्यादा आसान है यहां से। तो हम लिखेंगे फ्रॉम वन, हम एच हटाएंगे फ्रॉम इक्वेशन वन 2πRh बराबर के माइनस 2πR² तो यहां से एच बराबर यह हो गया। अब आगे इस एच का वैल्यू वहां पुट कर दिया जाए, एक वेरिएबल हमें हटाना है वो हमेशा हट जाए डिफेंस से, हम पहले बोल चुके हैं एच का वैल्यू वहां पुट कर दिया जाए के माइनस 2πR से R गए, पाई से पाई गए, बचा क्या, बाई टू मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू टू कैंसिल, यहां पर यहां तो रह जाएगा पाई आर क्यू, सॉरी ये रहा। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहां बचेगा k बाई टू, यहां बचेगा 3πR² तो लेंदी है फॉर, लिखना पड़ेगा मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए इसे हमें जीरो करना पड़ेगा,
तो इसे जब हम जीरो करेंगे तो यहां से हमें यह हो जाएगा, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो के बाई टू बराबर आर स्क्वायर बराबर के बटा में 6 पाई। तो यहां से यह हो जाएगा आर बराबर प्लस माइनस रूट अंडर के बाई 6 पाई। दो चीज निकलेगा, आर बराबर प्लस माइनस, ठीक है। अब आगे यहां पर दो काम करेंगे, हमें तो पहले यह आर का मान निकाल लिया, अब हमको सोच लो हमें इसमें से कौन सा पॉजिटिव है, सॉरी कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा, सो सोचना है। तो यहां पर तो हमारे पास इसको डबल करेंगे तो यह जीरो हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा -6 पाई आर। अब उसमें से एक बार पॉजिटिव वाला और एक बार निगेटिव वाला दोनों रखकर देखेंगे, जिसको रखने पर निगेटिव आ जाएगा वही वाला हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा, और जिसको रखने पर पॉजिटिव आएगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमम रहेगा। तो यहां पर तो हम लोग जान रहे हैं कि निगेटिव रखेंगे तो क्या रहेगा, प्लस। तो यहां पर एट आर बराबर प्लस वाला लेंगे तो प्लस वाला यहां रखेंगे तो हमारे पास यह हो जाएगा लेस देन जीरो, क्योंकि यह पॉजिटिव या निगेटिव रहेगा, इसलिए यह जो है हमारा वह क्या हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर से बोल दे रहे हैं आर का वैल्यू दो निकला, पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव वाला दिखेगा तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव वाला लेंगे। अब पॉजिटिव रखने पर हमको निगेटिव आ गया है तो क्या हो गया यह हमारे पास पॉइंट ऑफ, क्योंकि जब डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो वो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, तो डबल निगेटिव होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो आर बड़ा पॉजिटिव के लिए निगेटिव होगा तो ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन आप एक बार जान लो, क्या जान लो कि यहाँ पर डबल करने में ये तो चलो आसान था, इसका डबल हो गया, कहीं कहीं दुविधा होगी, तब क्या होगा। अब यहाँ से मन में सोच लेंगे, क्योंकि क्लियरली यह निगेटिव आर कभी होता नहीं, आर दो चीज है ना प्लस माइनस, तो लिखेगा कभी कभी यहाँ बोल रहे हैं यहाँ से डबल आसान है, कहेंगे डबल बहुत टेढ़ा रहेगा, टेढ़ा वाले में क्या करेंगे बचेंगे हम लोग, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहाँ लिख देंगे क्लियरली आर इजिकल टू प्लस रूट के बाई, क्लियरली आर इजिकल टू पॉजिटिव में रहेगा के बाई 6 पाई, ये जो हो गया हमारे पास क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसलिए क्योंकि ये जो हम करें तो सही करें गलत नहीं करें, इसलिए हम लोगों को गलत नहीं करना होगा सही करना होगा। तो टेढ़ा चीज को डबल के बदले निगेटिव में रेडियस कभी नहीं हो सकता, तो माइनस वाला हो जाएगा, जो भी होगा वैसा प्लस वाला रहेगा। अब हमको ये तो निकल गया कि ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तब हमें प्रूफ करना था एच बराबर 2 आर। तो इस आर की वैल्यू हम यहां रखें या यहां से हम आर स्क्वायर लिख देंगे तो के बाई 6 पाई, और के बराबर क्या हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। इस के का भाई आर का वैल्यू ये या के बराबर बात एक चीज है, इसका इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे वैल्यू, पुट इन 1, तो हमें यही ना दिखाना है, तो 1 में पुट करेंगे के की जगह तो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के की जगह 6 पाई आर स्क्वायर। यह जाकर उधर घटेगा तो घट के क्या बचेगा 2 पाई आर एच बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा एगो आर गायब हो गया, एगो पाई गायब हो गया, 2 से कट के एच बराबर क्या हो गया 2 आर, और यही हमें शो करना था हाइट बराबर 2 आर। ये सवाल आप लोग समझ गए मेरे ख्याल से, ठीक है बच्चों। चलिए ऐसा ही सवाल, ये तो आसान क्वेश्चन था, ऐसा ही सवाल बनेगा तो इसको पढ़ने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा।
अब चलिए लगे हाथ हम 21 नंबर में आते हैं, 21 नंबर में आते हैं लगे हाथ। देखिए तब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, लेकिन उसका आंसर बड़ा प्यारा है, इसलिए इसको देखना भी बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको देखा जाए, पहले सवाल देख लिया जाए फिर इसको देखते हैं। देखिए 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 क्या चीज है। क्वेश्चन 21 ऑफ द क्लोज सिलेंडर कैन। चलिए बच्चों, क्लोज सिलेंडर, पहले फिर से बस सिलेंडर बनाइए। देखिए यहां पर यह क्लियर है कि क्लोज सिलेंडर, तो इसलिए सरफेस एरिया क्या होगा तुम समझ रहे होगे, क्लोज सिलेंडर। ये रहा बेटा यहां क्लोज सिलेंडर, ऊपर नीचे से बंद है ना। हाँ, तो समझ गए होगे क्या चीज, पहले इसका बना लें क्या चीज, रेडियस आर, फिर बना लें क्या चीज, हाइट एच, ये सब बना लेते हैं, उसके बाद की चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवेन वॉल्यूम। अब पिछले क्वेश्चन में सरफेस एरिया गिवेन था, यहाँ वॉल्यूम गिवेन है ना। इसका मतलब क्या रहा, पाई आर स्क्वायर एच गिवेन है, गिवेन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब, यह हमारे पास गिवेन है। इसको मान लिया इक्वेशन वन, यह गिवेन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, यह गिवेन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, यह गिवेन है, ठीक है ना। आगे फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। इसका डायमेंशन क्या होगा यदि सरफेस एरिया इसका मिनिमम हो। इसका मतलब ये रहा कि ए को हमने माना सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो इफ ए इज मिनिमम है ना, मिनिमम, तो फाइंड डायमेंशन आर एंड एच। इसका डायमेंशन क्या होगा, आर एंड एच है ना। तो अगर इसका सरफेस एरिया मिनिमम रहेगा तो डायमेंशन क्या होगा, आर एंड एच, डायमेंशन क्या होगा, आर एंड एच। ये बात, आगे की बात। अब सवाल है कि हमको सरफेस एरिया की चर्चा है, तो हम लिखेंगे यहां पर ए बराबर सरफेस एरिया 2πRh + 2πR2। सरफेस एरिया निकल गया हमारे पास, ठीक है। अब हमसे कह रहा है सवाल में कि ए का मिनिमम, यानी ए को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें एक वेरिएबल यहां से हटाना होगा। अब आर हटाओगे कि एच, सोच लो आर हटाओगे तो यहाँ पर तो आर सिंपल हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आर वाला रूट में आ जाएगा, और दो जगह हटाने से अच्छा है एक ही जगह हटा दे, है ना। तो फ्रॉम वन है ना, फ्रॉम वन यहाँ से एच बराबर हो जाएगा 100 πr² ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, यह पूरा वीडियो ठीक से देखिएगा समझिएगा। एच बराबर 100 πr², इस एच का वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं 2πr 100 πr², ठीक है। अब प्लस हो जाएगा 2πr² बेटा, एक पाई गायब हो गया एक तो आर, तो ए बराबर हो गया 200 πr + 2πr². यहां से आपको दुविधा चालू हो जाएगी। अब यहां से dA/dr, तो इसका मालूम है क्या होगा, 200 πr² नहीं, यहां दुविधा नहीं है। अब इसको मान लेते हैं हम लोग नंबर टू, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, ये लिखना पड़ेगा फॉर मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए dA/dr को जीरो लेते हैं,
तो माइनस टू 200 बाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 पाई आर बराबर 0, तो 4 पाई आर बराबर 200 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से 4 से कट के यह हो जाएगा क्या चीज हमारे पास, पाई आर बराबर 50 बाई आर स्क्वायर। तो हमें आर पहले तो अब क्या एक मिनट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर क्यू बराबर 50 बाई पाई, तो आर बराबर 50 बाई पाई का पावर क्या हो गया 1/3। अब आगे की बात, आर का वैल्यू तो एक के गो निकला खाली यही चीज, अब जब सिर्फ एक ही चीज निकला तो भाई जो चाहिए वही ना रहेगा, एक ही दो गो निकलता तब ना पता करते कि इसमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन जब चूंकि एक ही वैल्यू निकला तो वही हमारा रहेगा रिक्वायर्ड पॉइंट, आइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो भी हमको लेना है जिसकी जरूरत है वही रहेगा। सोचो फिर से बोल रहे हैं, जब दो पॉइंट निकलता तो हमें पता करना पड़ता दो में से कौन मिनिमा कौन मैक्सिमा है, एक ही निकला तो जो चाहिए वही रहेगा। फिर भी अगर चेकअप करना है तो इसको डबल करो, फ्रॉम टू डबल जब हम इसको करेंगे तो यहां से दो आ जाएगा यहां, यानी 400 बाई आर क्यूब कैसे हुआ तुम अच्छी तरह जानते हो, प्लस 4 पाई ये जानते हो। अब एट आर क्यू यानी आर बराबर यह, तो रखने पर यह पॉजिटिव जो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, एट आर बराबर 50 बाई पाई का पावर 1/3 यहां रखेंगे तो 3 करते हैं आर की जगह, यह पॉजिटिव डी टू ए बाई डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और जो डबल पॉजिटिव हो गया इसलिए हम यहां मिटा देते हैं कहानी यह, इसलिए क्या हो गया हमारे पास, इसलिए जो R बराबर 50 बाई R इक्वल टू 50 बाई पाई का पावर 1/3 यह हो गया पॉइंट ऑफ क्या जो हमें निकालना था वो मिनिमा। तो अब हमको डायमेंशन की जरूरत है, तो जब R का मान यह रहेगा तो एरिया क्या हो जाएगा मिनिमम, यह समझ गए। तो एक तो आंसर हमारे पास यही रह गया डायमेंशन में, रेडियस जो हमें चाहिए था आर और एच, आर तो यही रह गया और हमें एच निकालना है, तो इसका एच जो है यानी हाइट निकालना बड़ा ही सुंदर चीज है ना। आंसर देखिए किताब में बनाए जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से एच निकाला गया है। तो इसको हम पुट कर देते हैं किसमें, यहाँ पर हमारे पास है क्या चीज, क्योंकि h बराबर यहाँ यहाँ एक ही चीज है, कहीं पुट कर सकते हैं कहीं पुट कर देते हैं, h बराबर 100 बाई पाई r स्क्वायर, इस r की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो ध्यान दीजिए क्या होगा 100 बाई पाई r का मान यह पुट करेंगे तो हो जाएगा 50 बाई पाई 2 और 1/3, तो क्या हो जाएगा यहां से 2/3, यह 1/3 का पावर 2 क्या होगा 2/3। ठीक, अब किताब का आंसर मिलाओगे तो किताब का आंसर तुमको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। तब यहां पर एक ट्रिक देखो जो तुमको एग्जाम में लाइएगा, यह इस 100 को बेटा लिख देते हैं 2 × 50/π, चलेगा, इसे हम ऊपर ले जाते हैं ऐसे 50/π का पावर -2/3। अब कुछ मजा आ गया, पूछो कैसे मजा आया, यहाँ आ गया 1, तो बेस एम पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 50/π का पावर 1/3, कैसा रहा, एक यह रहा आंसर, एक यह रहा आंसर, मेरे ख्याल से यही आंसर हम लोग का सही रहेगा। ठीक है, तो कैसे निकाला यह आपको किताब एग्जाम में ये निकालना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए आप लोग इसको रट लीजिए समझ लीजिए, क्योंकि ये आंसर लाना ही पड़ेगा आप लोगों को, इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, रेडियस हो गया आर 50 बाई पाई का पावर 1/3 वहां ला चुके हैं,
और एच बराबर 2 × 58 π/3। ये एक यहाँ के बाद कैलकुलेशन बड़ा प्यारा था, इसलिए इसको बताया हमने, ठीक है। तो यहाँ तक हम देख लिए 21 नंबर सवाल तक, तब तक आप लोग कुछ और बनाइए, फिर हम कुछ और वीडियो लेकर के, कुछ और सवाल लेकर के हम लोग इसको अगले वीडियो में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही धीमे धीमे करके बनेगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन यह बनेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक से पढ़िए। हमें जल्दी नहीं है, हम आराम से पढ़ा रहे हैं, आप भी आराम से पढ़िए, ठीक है। ओके, वेरी गुड, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।